दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब और किशोर कुमार जी दोनों महान गायक थे। इन दोनों के गीत आज भी हमारे मन में बसे हुए हैं। तुमने पुकारा और हम चले आए, ये दुनिया ये महफिल, आज मेरे यार की शादी है। तेरे बिना जिंदगी से कोई दिल पर मेरे जब तक मुझे ओ मेरी जान। जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में रफ़ी साहब निर्विवाद रूप से फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन गायक थे। वो अकेले 80% गीत गाते थे और बाकी के 20% गाने मुकेश जी, किशोरदा, महेंद्र कपूर और मन्ना डे जैसे सिंगर्स को मिल पाते थे। लेकिन आराधना ने सब कुछ बदल दिया। आराधना रिलीज होते ही किशोरदा को न केवल फिल्म फेयर अवार्ड मिला, बल्कि वो सबको पीछे छोड़कर सुपरस्टार सिंगर बन गए। उनकी और राजेश खन्ना की जोड़ी ने दर्शकों को दीवाना कर दिया। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आराधना में पहले सारे गाने रफी साहब ही गाने वाले थे। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। और क्या आप ये भी जानते हैं कि फिल्म फेयर अवार्ड की दौड़ में रफी साहब का कौन सा गाना किशोरदा के किस गाने से पिछड़ गया था? इसके अलावा हम ये भी बताएंगे कि क्या फिल्म फेयर की जूरी ने रफी साहब के खिलाफ साजिश की थी। तुमने कहा था मैं सौ दुख सहूंगी। इन सब खुलासों के अलावा आराधना फिल्म से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गीत और संगीत का ये सुरीला सफर। एक पुरानी और घिसी पिटी बात है कि फिल्में समाज का आईना होती है, यानी समाज में जो कुछ होता है वो फिल्मों में दिख जाता है, या फिल्मों में जो कुछ दिखाया जाता है समाज भी उसे अपनाने लगता है। 1969 में भी यही हुआ था। उस वक्त राजेश खन्ना की ये फिल्म सब तरफ छा गई थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की फिल्म आराधना सिनेमा के इतिहास में कल्ट मानी जाती है। ये राजेश खन्ना के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई और उन्होंने इसी के दम पर स्टारडम का स्वाद पहली बार चखा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुतु मस्तानी कब आए। आराधना की कहानी और लीड कैरेक्टर में एक फ्रेशनेस थी, उस पर एस डी बर्मन का संगीत सोने पर सुहागा साबित हुआ। हालांकि म्यूजिक तैयार करने के दौरान एस डी बर्मन बहुत बीमार थे, इसलिए बाकी का म्यूजिक उनके बेटे आर डी बर्मन यानी पंचमदा ने तैयार किया था, लेकिन पर्दे पर नाम सचिनदा का ही आया। आराधना के सभी गाने बहुत लोकप्रिय हुए। रूप तेरा मुस्काना, प्यार मेरा दीवान। आराधना के इस गाने के लिए किशोर कुमार को पहला फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था और इसके कारण वो फिल्म इंडस्ट्री के नंबर वन सिंगर बन गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आराधना के सभी गाने पहले रफी साहब ही गाने वाले थे, जिनमें से दो गाने वो पहले ही रिकॉर्ड कर चुके थे, जिसमें से एक गीत उन्होंने लता जी और दूसरा आशा जी के साथ रिकॉर्ड किया था। गुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, कली कली ना 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 ना। ओ बागों में बहार है। ये दोनों गाने बहुत अच्छे और आज भी लोकप्रिय हैं। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड देने का फैसला जो जूरी कर रही थी, उन्हें किशोरदा का ये गाना सबसे अच्छा लगा। नशीली मस्त समा है आज नशे। उसी साल रफी साहब का एक और गाना फिल्म फेयर की दौड़ में था, जो उन्होंने जितेंद्र और तनुजा की फिल्म जीने की राह के लिए गाया था। इसका संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। आने से उसके आए बाहर जाने से। तो इस गाने का मुकाबला आराधना में किशोरदा के गाए हुए गीत से हो रहा था। भूल कोई हमसे ना। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के संगीत से सजे आने से उसके आए बाहर की तुलना में जूरी को राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का ये रोमांटिक गीत ज्यादा लोकप्रिय लगा और उन्होंने किशोरदा को फिल्म फेयर अवार्ड देने का फैसला कर लिया। से तेरा मस्ताना। उस वक्त कई लोगों ने जूरी के इस फैसले पर सवाल उठाए थे। उनकी दलील थी कि एक साफ सुथरे गीत के बजाय जूरी को इस गीत का बोल्ड फिल्मांकन ज्यादा पसंद आया। ऐसा लगता है कि उन्हें गायकी में नहीं बल्कि एक्ट्रेस का शरीर देखने में ज्यादा रुचि थी। जैसे मगर कोई दिल को समझाए,
इस बारे में मैगजीन में बहुत मसालेदार आर्टिकल छापे गए। ये भी दलील दी गई कि ये गाना सिर्फ सिंगर और म्यूजिक की वजह से सुपरहिट नहीं हुआ था, बल्कि राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के बोल्ड अंदाज ने इस गाने को लोकप्रिय बनाया था। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवान। ये तो हुई जूरी की बात, लेकिन रफी साहब के साथ एक और गेम किस्मत ने भी खेला था। दरअसल आराधना में राजेश खन्ना की पर्सनालिटी के हिसाब से सचिंदा ने रफी साहब को लीड सिंगर ले रखा था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो दो गाने रिकॉर्ड भी कर चुके थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और सारी जिम्मेदारी म्यूजिक कंपोजिंग में उनको असिस्ट करने वाले पंचमदा पर आ गई। पंचमदा संगीत में नए नए प्रयोग करने में माहिर थे और उनकी किशोरदा से बहुत पटती थी। दोनों के बीच बंगाली कनेक्शन भी था, इसलिए उन्होंने सचिंदा से पूछे बगैर फिल्म के बाकी सारे गाने किशोरदा से गवाए। उस जमाने में ये बात भी कही गई कि दरअसल रूप तेरा मस्ताना गाना भी रफी साहब गा चुके हैं, लेकिन पंचमदा ने उनका गाया हुआ गाना नहीं रखा बल्कि किशोरदा से दोबारा रिकॉर्डिंग करके फिल्म में डाला। आए शराबी मौसम बहलाए। मतलब रफी साहब के खिलाफ दो बातें एक साथ हुई। पहला तो आराधना में उनकी बजाय किशोरदा को लीड सिंगर लिया गया और उनके गाए हुए गाने को किशोरदा से दोबारा रिकॉर्ड कराया। इसके बाद बाकी का काम फिल्म फेयर जूरी ने कर दिया। इसके अलावा जूरी ने यह भी नहीं देखा कि उस दशक में रफी साहब ने 110 सुपरहिट गाने दिए थे, जबकि किशोरदा के पास महज 20 सुपरहिट गाने ही थे। फिल्म फेयर अवार्ड का फैसला करते वक्त जूरी ने रफी साहब के इन तमाम गीतों को भी नजरअंदाज कर दिया। तुमसे जुदा हो गए से तो न देखो के हमको नशा, गंगा की मौज में जमुना का धारा। मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। आराधना ने केवल हिंदी बेल्ट में ही नहीं बल्कि साउथ में भी जमकर बिजनेस किया था। उस दौरान तमिलनाडु में एंटी हिंदी आंदोलन चल रहा था। इसके बावजूद चेन्नई के सिनेमाघरों में आराधना करीब 50 हफ्तों तक लगी रही। इसी कारण महज 80 लाख रुपए में बनी आराधना बॉक्स ऑफिस पर टोटल 17 करोड़ 85 लाख रुपए का शानदार कलेक्शन करने में सफल हुई। सफल होगी तेरी आराधना, काहे को रोई। आराधना का इम्पैक्ट इतना बड़ा था, इसने राजेश खन्ना को सुपरस्टार बना दिया और दर्शक उनकी अदाओं के दीवाने हो गए। इसके साथ किशोरदा की किस्मत भी चमक गई और तमाम संगीतकार उनके घर के सामने लाइनें लगाने लगे। किशोरदा खुद रफी साहब का बहुत सम्मान करते थे और रफी साहब भी उनके कदरदान थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में उगते सूरज को ही सलाम किया जाता है, इसलिए ज्यादातर फिल्मकारों ने मान लिया कि अब रफी साहब का वक्त चला गया और किशोरदा ही सुपरहिट है। रफी साहब के करियर पर भी इसका असर पड़ा और उन्हें कम गाने मिलने लगे, लेकिन तब भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से लेकर दूसरे तमाम संगीतकार उनसे बैकग्राउंड सिंगिंग कराते रहे। मोहम्मद रफी तो बहुत याद आया। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको रफी साहब और किशोरदा की सिंगिंग के बारे में कुछ बताना हो तो कृपया कॉमेंट जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और वाकये के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।